हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ KFC के कंसोल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था KFC के कंसोल के बारे में। तो उस टाइम सबको ऐसे लगा कि KFC जो है वो कंसोल जो है वो लॉन्च नहीं करेगा। आपको मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि KFC जो है उन लोग ने अपना कंसोल जो है वो लॉन्च कर दिया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं वो सारा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सारे जो लिंक्स है इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। तो जब भी मैंने वीडियो बनाया था तो तभी सबको ऐसे ही लगा था कि ये जो KFC का कंसोल है, इनफैक्ट मेरे को भी लगा था कि ये ऐसे ही टाइम पास के लिए या फिर एक मार्केटिंग स्टंट के लिए इन लोग ने किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे PS5 और Xbox जो है उन लोग का सीरीज़ X सीरीज़ S दोनों लॉन्च होने वाले थे और PS5 भी लॉन्च होने वाला था। तो मार्केटिंग के हिसाब से मेरे को लगा और सबको भी ऐसे लगा कि KFC ये कर रहा है कि कंसोल लॉन्च करने वाला है, इसका ट्रेलर वगैरह उन लोग ने दिखाया था। पर अभी रियलिटी में इन लोग ने अपने वेबसाइट पे और ट्विटर पे भी मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअल में उन लोग ने कंसोल बनाया हुआ है। तो मैं आपको सारा डिटेल्स ये वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंसोल दिखाई दे रहा है, KFC कंसोल लिखा हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो केस वगैरह बनाया हुआ है वो कूलर मास्टर ने बनाया हुआ है। ये आपको जैसे पता है कूलर मास्टर बहुत सारी चीज़ें बनाता है, उनके कूलर्स रहते हैं, उनके कैबिनेट्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन लोग बनाते हैं। तो उन्होंने ये डिज़ाइन करने के लिए हेल्प किया है, मतलब ये जो पूरा इसका बॉडी है KFC कंसोल का वो कूलर मास्टर ने बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये आपको 4K 240 FPS का फ्रेम रेट्स देने वाला, मतलब ये प्रॉपर कंसोल दिया हुआ है इसके अंदर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बीच में एक ट्रे दिया हुआ है जहाँ पे आप चिकन जो है, चिकन या कुछ भी हो, आप वहाँ पे वार्म कर सकते हैं, मतलब वार्मर दिया हुआ है। तो इंडियाज़ फर्स्ट कंसोल रहेगा जिसके अंदर आपको वार्मर मिलेगा। हालांकि आपको जैसे पता है कि हम लोग PC बिल्ड्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कूलर्स वगैरह अच्छे क्वालिटी का लगाते हैं ताकि अपना जो सिस्टम है वो हीट ना हो। पर पता नहीं क्या इसमें इन लोगों ने किया है कि इसके अंदर बीच में वार्मर दिया है। अगर वार्मर रहेगा और उसमें चिकन हीटिंग होते रहेगा या कुछ और रहेगा तो पता नहीं ये इसका हीट मैनेजमेंट वगैरह कैसा होगा। पर इन लोग ने दिया हुआ है सेंटर के साइड में, इन लोग ने वो वार्मर दिया हुआ है जहाँ पे आप चिकन या कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं, मतलब हॉट एंड क्रिस्पी रहने के लिए वार्मर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर के साइड में ये ट्रे बाहर आता है, यहाँ पे आप चिकन रख के उसको वार्म कर सकते हो। और नीचे के साइड में इसके सारे प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड्स वगैरह दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ और एक है कि इसमें स्वैपेबल ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन भी है, मतलब इन लोग ने ऐसे ये चीज़ डाल के ऐसे लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इसमें फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो KFC का कंसोल रहेगा ये मास प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा करके नहीं मिलेगा। ये बिग बिग यूट्यूबर्स या टेक्नोलॉजी जो रिव्यूज़ करते हैं उन लोग के पास जाएगा, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन नहीं होगा, उन लोग को दिया जाएगा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए और वीडियो बनाने के लिए, बस ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोसेसर जो यूज़ किया गया है वो इंटेल की तरफ से यूज़ किया हुआ है, जो कि यहाँ पे मेंशनड है Core i9 9th generation प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है, जिसके साथ फ़ैन भी दिया हुआ है। और जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है वो Asus की तरफ से यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर जितना वेबसाइट पे दिया हुआ है उतना मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो स्वैपेबल ग्राफिक कार्ड इसमें है, इनबिल्ड आता है, इसको आप चेंज करके उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। फिर SSDs की बात आए या फिर हार्ड डिस्क की बात आए, तो इसमें हार्ड डिस्क नहीं दिया हुआ है, 2 SSDs दिया है और दोनों भी Seagate की तरफ से है। 1 TB के 2 आपको यहाँ पे देखो इमेज में दिखाई देगा, फायरकूडा का दिया हुआ है और ब्राकूडा का दिया हुआ है एक, मतलब 2 Seagate के 1 TB SSDs दिए हुए हैं जो कि NVMe टाइप के है, मतलब 6S फास्टर इसमें यहाँ पे इन लोग ने बताया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। अभी सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर आप VR जो है गेम्स खेल सकते हो। हालांकि इंडिया में अभी तक मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं खेल रहा है VR, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा है, खेल रहा भी होगा तो लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर रहा है VR का। तो इंडिया में VR तो बहुत लिमिटेड है, पर इंटरनेशनली लोग VR स्ट्रीमिंग भी करते हैं
है वीआर गेम्स भी खेलते हैं, पर यहाँ पे ये जो कंसोल है काफी एडवांस है, इसके अंदर आप वीआर गेमिंग कर सकते हो। इसमें रे ट्रेसिंग भी अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मेरे जो वीडियोस थे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह के, तो उसमें मैंने बताया था कि रे ट्रेसिंग क्या होता है, जिसके अंदर आपको काफी रियलिस्टिक जो पिक्चर है वो दिखता है, तो वो भी इसमें सिस्टम यूज किया गया है। जैसे आपको ऊपर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर आप 240 फ्रेम्स है वो मिलने वाला है गेम खेलने वक्त, और आपको जो आउटपुट है वो भी 240 हर्ट्ज का मिलने वाला है। मतलब आप 240 वाले गेम्स भी इसमें खेल सकते हो और आउटपुट भी 240 तक ले सकते हो। मतलब काफ़ी एडवांस कंसोल ये है, और 4K गेमिंग भी होगा, ऊपर भी मैंने आपको जैसे बताया 4K गेमिंग होने वाला है इसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी काफ़ी तगड़ा है और हार्डवेयर के हिसाब से भी काफ़ी सही है। जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स या रिव्यूअर्स जिनके पास ये प्रोडक्ट जाएगा और वो उन लोग का रिव्यू आएगा तब पता चल जाएगा। अगर आपको भी मेरा रिएक्शन चाहिए उन लोग के रिव्यूज़ के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मतलब बता देना कि आपको इसका रिएक्शन चाहिए, कि जब इसको अनबॉक्स करेंगे और इसके ऊपर गेम्स खेलेंगे तो क्या इसका रिजल्ट्स आता है, तो उसके बारे में रिएक्शन चाहिए, मेरे ओपिनियंस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ KFC गेमिंग, जैसे बताया मैंने कूलर मास्टर के साथ पार्टनर करके इन लोग ने किया हुआ है, ग्राफिक कार्ड ASUS का यूज़ किया है और सीगेट का SSD यूज़ किया हुआ है, तो यही सारा चीज़ इन लोग ने इनके वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उन लोगों ने ट्विटर पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो मेरे सारे सोशल्स जो है वो नीचे मेंशन है, वहाँ पे मेरे को फॉलो करके रख देना, वहाँ पे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, ऑल्सो बेस्ट डील जो है ऑनलाइन शॉपिंग के वो भी शेयर करते रहता हूँ, तो ज़रूर मेरे को वहाँ पे फॉलो करके रख देना। और मेंबरशिप भी एक्टिवेट हो गई है, तो अगर चैनल को छोटा सा सपोर्ट करना चाहते हो, छोटा सा मतलब 59 रुपीज़ से सिर्फ आप मेंबरशिप ले सकते हो, एकदम छोटा सा सपोर्ट अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर देना, और अगर नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम। मैंने देखा है मेरे जो एनालिटिक्स है वहाँ पे 14 साल से 24 इयर्स तक ज़्यादा मैक्सिमम मेरे वीडियोस देखते हैं, तो ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोग अभी जॉब नहीं कर रहे, अपने मम्मी पापा के पैसों से आप ये मेंबरशिप लेंगे, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन रहेगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी गेमिंग में इंटरेस्टेड है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनके साथ, ताकि ये चैनल फटाफट से ग्रो होगा और इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर पाओगे। ऑल्सो अगर आप हेडफोन्स वगैरह ईयरबड्स वगैरह कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड परचेस करना चाहते हो तो लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ज़रूर आप चेकआउट करना और कोशिश करना वहीं से बाय करने के लिए, ताकि इनडायरेक्टली चैनल को हेल्प होगा। क्योंकि अगर आप मेंबरशिप लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो अगर चैनल को आपको सपोर्ट करना है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और जो मैंने लिंक्स दिए हैं वहाँ से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से आप प्रोडक्ट परचेस कर लो तो भी चैनल को हेल्प हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। होप करता हूँ आगे आने वाले वीडियोस में और भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।